गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इट्स मुकेश गोस्वामी और चलिए पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आराध्या स्पोकन इंग्लिश सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं एक वीडियो लेकर आया हूं, यह वीडियो मेरे शॉर्ट्स वीडियो का कंबाइंड एक छोटा सा वीडियो है जो सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से वर्ड्स वोकैबुलरी बताने का एक सिंपल क्लास है। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा डे वन का वीडियो है। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स पर आप जरूर अपना ओपिनियन दे ताकि मैं डे टू आपके बीच लेकर आऊं। तो चलिए सबसे पहले मेरे इस कंबाइंड वीडियो पर आप शुरू से अंत तक बने रहें। पिछले सप्ताह मेरी डॉटर आराध्या के स्कूल से हर बच्चों के मदर के लिए स्कूल से प्रोजेक्ट बनाने का कार्यभार मिला। तब मेरी वाइफ ने भी उस प्रोजेक्ट को बनाया। बनाकर वह स्कूल जब सबमिट करने के लिए गई तब उसे पता चला कि उस प्रोजेक्ट में एक साइन आदमी का भी करना था। तो बताइए एक का इंग्लिश क्या होता है, ए, और आदमी का मैन। तो बताइए ए साइन किसका करना था ना, मैन। तीनों को जोड़ दीजिए तो ए साइन मैन। चूंकि मेरी वाइफ साइन कराना भूल गई थी अतः एक वॉचमैन को वो जानती थी जिसका नाम था टिंकू। वह दौड़ते दौड़ते उस वॉचमैन के पास गई और एक साइन आदमी, तो क्या हो जाएगा ना, ए साइन मैन किसका करवाई ने, टिंकू का करवा दी था, टी फॉर टिंकू। तो ए साइन मैन जो होता है लास्ट में टी को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए साइन मेंट, ए साइन मेंट। इस प्रकार मेरी वाइफ ने स्कूल के कार्यभार को पूरा किया, सौंपा गया काम को पूरा किया। तो असाइनमेंट मीन्स क्या हो गया, कार्यभार या सौंपा गया काम। थैंक यू। प्यार में का इंग्लिश क्या होता है, इन लव, आंखों में, इन आईज, दिल में, इन हर्ट, दरवाजा में, इन डोर। तो डोर में अगर आर को साइलेंट कर देंगे तो क्या रहेगा, इन डोर। तो चूंकि रात के 12 बजे एक बार मैं बाहर में टेबल पर बैठा हुआ था, अचानक मेरी वाइफ अंदर से आवाज देती है और बोलती है बहुत रात हो गई, अंदर आइए और इन डो में मतलब दरवाजा में टेबल रखिए। फिर क्या था, मैं इंडो में मतलब दरवाजा में टेबल रख रहा था, अचानक मेरी वाइफ एक टाइगर का मास्क पहनकर पीछे से आई और मुझे डराने की कोशिश की। तब मैंने अपनी वाइफ से बोला कि चूंकि मैं निडर इंसान हूं, विषम से विषम परिस्थिति में मैं किसी के सामने ना झुकने वाला और ना हारने वाला इंसान हूं। तो बताइए दरवाजा में मैं क्या रख रहा था, टेबल। तो दरवाजा में का इंग्लिश क्या हो गया, इंडोर। तो इंडो में क्या रख रहा था, टेबल। तीनों को जोड़ दीजिए तो इंडो में टेबल। मैं कैसा इंसान हूं, निडर, विषम से विषम परिस्थिति में ना झुकने वाला और ना हारने वाला। तो इंडो में टेबल मीन्स क्या हो गया, निडर या किसी भी स्थिति में ना झुकने वाला ना हारने वाला। थैंक यू। मेरे दो बच्चे हैं, चूंकि एक का जन्म नाइट को हुआ जिस कारण से मैंने उसका नाम रख दिया नाइट, और अगले का जन्म डे को हुआ मींस दिन को हुआ, इसीलिए मैंने अगले का नाम रख दिया डे। मींस एक का नाम नाइट, अगले का नाम डे, मींस नाइट और डे। चूंकि दोनों में विशेष बात है क्या ना, दोनों में जादुई शक्ति है और वे दोनों अपने जादुई शक्ति से कभी भी कुछ भी बन सकता है। चूंकि नाइट मेरा जो है गुस्सेल टाइप का लड़का है जिस कारण से वो हमेशा बार बार नाइट जो है फायर बन जाता है, मींस आग बन जाता है। और चूंकि मेरा जो डे है बहुत ही खुशमिजाज लड़का है, वो आज तक कुछ भी नहीं बना था, तब मैंने एक दिन अपने डे को बोला डे बन एयर, मैंने हवा बनने बोल दिया। एयर मींस क्या होता, हवा। मैंने क्या बोला, डे बन एयर, चूंकि वो कैसा लड़का है, खुशमिजाज लड़का है। तो बताइए मैंने डे को क्या बनने बोला, एयर, और बोलने का मेरा शैली क्या था, डे बन एयर। तीनों को जोड़ दीजिए, डे बन एयर, डे बन एयर। वो कैसा लड़का है, खुशमिजाज। तो खुशमिजाज का इंग्लिश क्या हो गया, डे बन एयर। थैंक यू। रात को मैं अपने एक दोस्त के घर गया, मेरे दोस्त के दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम कृति है, चूंकि थोड़ा वो हेल्दी है मतलब मोटी तगड़ी है। मैं क्या देख रहा हूं कि उसका छोटा भाई कृति की आलोचना कर रहा था, मतलब बुराई कर रहा था। चूंकि मेरे दोस्त ने अपने दोनों बच्चों में से कृति के लिए एक ड्रेस लाया था, मतलब फ्रॉक लाया था, जिस कारण से उसके छोटे भाई को जेलसी हो रही थी और वो अपने दीदी कृति की आलोचना कर रहा था, बुराई कर रहा था। उसी बीच अचानक कृति आती है, जूही कृति आती है, उसका छोटा भाई उसकी ओर उसका फ्रॉक इशारा करते हुए बोलता है कृति साइज देखो, चूंकि कृति थोड़ा मोटी थी, क्या बोल रहा था, कृति साइज देखो। तो सिर्फ कृति को कर दिए कृति, ट को कर दिए ट, क्या बोल रहा है, कृति साइज देखो, कृति साइज, ठीक है। इस प्रकार उसका छोटा भाई कृति की क्या कर रहा था, आलोचना कर रहा था, बुराई कर रहा था। तो आलोचना करना या बुराई करना का इंग्लिश क्या हो गया, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मींस आलोचना करना। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपने मेरे इस कंबाइंड वीडियो को देखा भी होगा और पसंद भी किए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स पर जरूर अपना ओपिनियन दे ताकि मैं डे टू लेकर पुनः जल्दी आपके बीच आऊं।
और हाँ, अगर अभी तक आप मेरे इस आराध्या स्पोकन सेंटर नाम के YouTube चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी पुश कर ले ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।